हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेकी एस के। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि सैमसंग गैलेक्सी एस 23 प्लस में आप डेट एंड टाइम कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल मैनेजमेंट की, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी डेट एंड टाइम की, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और अगर आपने अपने फ़ोन में सिम कार्ड इंसर्ट कर ली है तो आपको सिंपली यहाँ पे पहले वाली जो ऑप्शन है ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम, आपको इसे यहाँ से ऑन कर देना है। तो आपके फ़ोन में डेट एंड टाइम ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप फिर भी खुद से सेट करना चाहते हैं डेट एंड टाइम, तो आपको सबसे पहले यहाँ से इसे ऑफ कर लेना है। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगी सेट डेट सेट टाइम की, सेट डेट पर क्लिक करके आपको यहाँ से डेट सेट कर लेनी है। देन नीचे डन पे क्लिक कर देंगे और सेट टाइम पे क्लिक करके आपको यहाँ से जो है टाइमिंग सेट कर लेनी है, एंड यहाँ से एएम और पीएम सिलेक्ट कर लेने हैं, एंड देन डन पे क्लिक कर देना है। तो आपके फ़ोन में डेट एंड टाइम सेट हो जाएगा।